बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ऑस्मोरेगुलेशन इन एक्वाटिक एनिमल्स। एक्वाटिक हैबिटेट या एनवायरनमेंट दो टाइप का, एक मैरीन एनवायरनमेंट और दूसरा फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट। उन दोनों एनवायरनमेंट में वाटर के साथ साथ साल्ट की कंसंट्रेशन का डिफरेंस पाया जाता है। इन दोनों हैबिटेट्स में मौजूद एनिमल्स को मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते हैं, और इसलिए इन दोनों एनवायरनमेंट के अंदर डिफरेंट टाइप की अडॉप्टेशंस एनिमल्स में मौजूद होती हैं। तो इस में हम लोग दोनों से मुतालिक पढ़ेंगे कि मैरीन हैबिटेट में मौजूद मैरीन एनिमल्स और फ्रेश वाटर एनिमल्स में ऑस्मोरेगुलेशन किस तरह से होती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ऑस्मोरेगुलेशन इन मैरीन एनिमल्स, कि मैरीन एनिमल्स में ऑस्मोरेगुलेशन का प्रोसेस किस तरह से होता है। मैरीन इन्वर्टिब्रेट्स यानी समंदर में, सीज और ओशंस में मौजूद जो एनिमल्स हैं उनको आप लोग मैरीन एनिमल्स कहते हैं। तो इसमें इन्वर्टिब्रेट्स भी मौजूद होते हैं, समंदर में वर्टिब्रेट्स भी पाए जाते हैं। तो सबसे पहले बात की कि मैरीन इन्वर्टिब्रेट्स में ऑस्मोरेगुलेशन का क्या तरीक़ेकार होता है। मैरीन इन्वर्टिब्रेट्स मोस्टली आर ऑस्मोकन्फर्मर, के ज़्यादातर इन्वर्टिब्रेट्स ऑस्मोकन्फर्मर होते हैं। ऑस्मोकन्फर्मर का मतलब है कि दे हैव सेम कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड साल्ट्स एज इन देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो दे नीड नॉट टू एडजस्ट एक्टिवली देयर इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट, के ऐसे जानवर हैं जिनके बॉडी में वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन अपने बाहर के एनवायरनमेंट के तकरीबन बराबर है, सेम है, इसलिए उन्हें एडजस्टमेंट की ज़रूरत पेश नहीं आती। रही बात वर्टिब्रेट्स की, तो वर्टिब्रेट्स में हैग फिशेस भी आइसोटोनिक होती हैं। आइसोटोनिक देयर सराउंडिंग सी वाटर, सो दे आर आल्सो ऑस्मोकन्फर्मर। और दूसरे वर्टिब्रेट्स जिनमें कार्टिलेजनस फिशेस और ख़ास तौर पर बोनी फिशेस, ये दो टाइप की फिशेस जो डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम्स फेस कर रही होती हैं इन द सी एनवायरनमेंट, तो आम तौर पर कार्टिलेजनस फिशेस हैव लो इंटरनल साल्ट कंसंट्रेशन दैन सी वाटर, कि उनमें समंदर के पानी के मुकाबले में बॉडी के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है, यानी वाटर के अंदर साल्ट कंसंट्रेशन हाई होती है और बॉडी इंटरनली लो साल्ट कंसंट्रेशन रखती है। ऐसे में इनके लिए इशू होता है कि साल्ट की कंसंट्रेशन बॉडी में ज़्यादा हो जाएगी, वाटर लॉस होगा। अब ज़रूरत इस बात की होगी कि वाटर लॉस को रोका जाए, साल्ट के ज़्यादा एंट्री को रोका जाए, अदरवाइज़ बॉडी का इंटरनल सेटअप डिस्टर्ब होगा। और अब इनमें क्या अडॉप्टेशंस होती हैं कि दीज कार्टिलेजनस फिशेस एक्सक्रीट साल्ट्स थ्रू गिल्स, के अपने गिल्स के थ्रू आम तौर पर साल्ट खारिज करते हैं एक्टिवली, और दे आल्सो हैव स्पेशल साल्ट सक्रीटिंग ग्लैंड्स, के साल्ट सक्रीटिंग ग्लैंड्स मौजूद होती हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं रेक्टल ग्लैंड्स। दे आर आल्सो यूज्ड टू रिमूव एक्सेस ऑफ साल्ट फ्रॉम द बॉडी। और कुछ कार्टिलेजनस फिशेस ऐसी होती हैं दैट रिटेन यूरिया, के जो यूरिया रिटेन करती हैं बॉडी में,
इसलिए कि उनमें बॉडी के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है बाहर के साल्ट्स की कंसंट्रेशन के मुकाबले में। तो वो ऐसा करते हैं कि बाहर के कंसंट्रेशन बराबर करने की खातिर यूरिया जो नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है बॉडी में उसे स्टोर कर लेते हैं, अपनी बॉडी में रिटेन कर लेते हैं। इस तरह से साल्ट की कंसंट्रेशन उनकी बॉडी में भी हाई हो जाती है, तकरीबन बाहर के एनवायरनमेंट के इक्वल हो जाती है। इस तरह से वाटर लॉस नहीं होती। लेकिन हाई कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया ये काफ़ी नुकसानदेह है, डैमेजिंग इफ़ेक्ट रखता है। इसलिए इन फिशेज़ में एक और कंपाउंड बनता है ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड। ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड इज यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट यूरिया, कि यूरिया के खिलाफ प्रोटेक्शन के लिए इस केमिकल को वो इस्तेमाल करते हैं। तो लिखा है रिलेटिवली लो साल्ट्स इन द बॉडी ऑफ द फिशेज बट हैव रेंडर्ड दीज हाइपरटोनिक टू दैट ऑफ सी वाटर बाय रिटेनिंग यूरिया, कि कुछ फिशेज ऐसे कर लेती हैं कि हाइपरटोनिक सी वाटर के साथ अपने आप को एडजस्ट करने की खातिर दे रिटेन यूरिया इन देयर बॉडी, कि वो अपनी बॉडी में यूरिया को रिटेन रख लेते हैं। और इस तरह से बॉडी में साल्ट की कंसंट्रेशन तो ज़्यादा हो जाती है लेकिन हाई कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया इज़ डैमेजिंग, और इससे प्रोटेक्शन की खातिर दे प्रोड्यूस अनदर कंपाउंड कॉल्ड द ट्राईमिथाइलामाइन ऑक्साइड। और ये ट्राईमिथाइलामाइन ऑक्साइड प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट यूरिया। और इन वर्टिब्रेट्स में से कुछ बोनीफिशेज भी रहती हैं। दी बोनीफिशेज आर द डिसेंडेंट ऑफ फ्रेश वाटर एंसेस्टर्स, इनके एंसेस्टर्स फ्रेश वाटर थे, ये फ्रेश वाटर एंसेस्टर्स के डिसेंडेंट हैं कि यहाँ से ये मैरीन एनवायरनमेंट को माइग्रेट कर गए। अब इनके लिए मसला यही रहेगा कि बॉडी के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन कम होगी और बाहर के एनवायरनमेंट में हाई है चूँकि ये फ्रेश वाटर में रहने वाले थे। अब ऐसे में देयर बॉडी विल लूज़ वाटर, ये उनकी बॉडी वाटर लूज़ करेंगी, वाटर लॉस को ये कैसे कंपनसेट करते हैं। तो इनका बोनीफिशेज का तरीक़ेकार ये है, दे ड्रिंक लार्ज अमाउंट ऑफ सी वाटर, कि ये सी वाटर बहुत ज़्यादा पीते हैं, एंड एक्सक्रीट कंसंट्रेटेड यूरिन, लेकिन यूरिन के जो एक्सक्रीट करते हैं वो कंसंट्रेटेड। इनकी किडनीज कुदरत ने इस तरह की बनाई कि वाटर को रीअब्ज़र्व कर लेती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा साल्ट को खारिज करते हैं, यानी मैक्सिमम लॉस ऑफ साल्ट और मिनिमम लॉस ऑफ वाटर होने देती हैं ताकि वाटर की डेफिशिएंसी बॉडी के अंदर ना हो। तो ये एक डायग्रामेटिक इस तरह से दिखाया है कि यहाँ पर ये जो सी वाटर में मौजूद फिश होगी उसकी बॉडी से पैसिव लॉस ऑफ वाटर थ्रू गिल्स होगी, और इसे ये कैसे कंपनसेट करते हैं, ड्रिंक सी वाटर एक्सक्रीट कंसंट्रेटेड यूरिन और साल्ट एक्सेवली एक्सक्रीटेड बाय गिल्स, और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से गिल्स से भी ज़्यादा साल्ट को खारिज करते हैं। दे प्रोड्यूस सेकेंडरी अमाउंट ऑफ आइसोटोनिक यूरिन, के बाहर के एनवायरनमेंट के मुताबिक तकरीबन आइसोटोनिक किस्म का यूरिन बना के, यानी विद हाई साल्ट ऑफ कंसंट्रेशन के साथ खारिज करते हैं यूरिन ताकि बॉडी के अंदर वाटर को कंजर्व किया जा सके। अब दूसरा जो एक्वाटिक एनवायरनमेंट है फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट, तो फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में मौजूद एनिमल्स के लिए क्या प्रॉब्लम होता है। सबसे मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर यह होता है कि इनकी बॉडी में साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और बाहर के एनवायरनमेंट में वाटर में साल्ट कंसंट्रेशन कम होती है। ऐसे में ऑस्मोटिक फ्लडिंग ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी के अंदर ऑस्मोसिस के ज़रिए से वाटर एंटर होता है जिसकी वजह से वाटर की कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ने लगती है, एंड लॉस ऑफ साल्ट्स, और इस एनवायरनमेंट में एनिमल की बॉडी से वाटर लॉस होती है। अब वाटर लॉस को बचाना या कंपनसेट करना है और साथ ऑस्मोटिक फ्लडिंग से बचाना है। एक्सेस ऑफ साल्ट्स नहीं, वाटर नहीं होनी चाहिए बॉडी के अंदर।
इस एनवायरनमेंट में भी इनवर्टिब्रेट्स वर्टिब्रेट्स सब किस्म के तकरीबन एनिमल्स रहते हैं। तो सबसे पहले यूनिसेलुलर किस्म के प्रोटोजोआ की बात कर लें कि फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है। तो पैरामीशियम या अमीबा जैसे यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट में ऐसे है कि कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स मौजूद होते हैं। दीज कंट्रैक्टाइल वैक्यूल पम्प आउट एक्सेस ऑफ वाटर, कि ये जो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हैं ये एक्सेस ऑफ वाटर को खारिज करते हैं। ये एक पैरामीशियम आप लोग देख रहे हैं लाइक द सोल ऑफ स्लीपर, ये फ्रेश वाटर में मौजूद, इसकी बॉडी के अंदर सेल के अंदर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल मौजूद हैं। ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल में एक्सेस वाटर जमा होता रहता है और उसे पम्प आउट कर लिया जाता है। इस तरह से बॉडी के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं। ऐसे अमेबा में भी मौजूद होते हैं। और फ्रेश वाटर एनिमल्स जिसमें ख़ास तौर पर फिशेस, उनके लिए भी वही इशू है, ऑस्मोटिक फ्लडिंग एंड लॉस ऑफ साल्ट्स। उससे बचने के लिए इनकी क्या अडाप्टेशंस होती हैं कि दीज फिशेस प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिल्यूट यूरिन, कि ये फिशेस डिल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करते हैं जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होगी और साल्ट की कंसंट्रेशन कम होगी। डिल्यूट यूरिन होगा विद लार्ज वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम काफ़ी अमाउंट में, इस तरह से वाटर काफ़ी ज़्यादा बॉडी से खारिज कर दिया जाएगा। यूँ वाटर की जो एक्सेस अमाउंट है उसको बॉडी से खारिज किया जाता है। और ये एनिमल्स साल्ट की कमी को कैसे कंपनसेट करते हैं कि दे प्रेफर साल्ट कंटेनिंग फूड, कि अपनी खुराक में साल्टी फूड का इस्तेमाल करते हैं, जिस फूड के ज़रिए से साल्ट्स बॉडी के अंदर काफ़ी सारी मुंतकिल हो जाती हैं। और इसके अलावा देयर अकर एक्टिव अपटेक ऑफ साल्ट्स बाय गिल्स एंड स्किन, ये गिल और स्किन के थ्रू भी साल्ट को एक्टिवली इनटेक करते हैं, जिसकी वजह से भी बॉडी के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है। ये साल्ट की कंसंट्रेशन साल्ट लॉस को कंपनसेट करने की खातिर के फूड साल्टी या एक्टिव अपटेक ऑफ साल्ट बाय गिल्स एंड स्किन कर लेते हैं। और जो वाटर की ओवर फ्लडिंग है उससे बचने की खातिर दे प्रोड्यूस डिल्यूट यूरिन, इनकी कुदरत ने किडनीज ऐसे बनाई कि डिल्यूट लार्ज वॉल्यूम ऑफ यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, जिसके ज़रिए से ज़्यादा वाटर को बॉडी से बाहर खारिज कर दिया जाता है। ये एक फ़िश की मैंने डायग्राम दिखा रखी है कि ये पानी को नहीं पीती, क्योंकि वाटर पहले ही इनकी बॉडी में ऑस्मोटिकली ज़्यादा एंटर हो जाता है। यहाँ लहलपता ये साल्टी फूड खाते हैं एंड एक्टिव अपटेक साल्ट्स आर एक्टिवली टेकन बाय गिल्स, की गिल्स के थ्रू एक्टिवली टेक अप करते हैं। और इन में लार्ज अमाउंट ऑफ हाइपोटोनिक यूरिन प्रोड्यूस किया जाता है, हाइपोटोनिक यानी डिल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर बॉडी से खारिज हो। इनके लिए मसला यही रहता है कि पैसिव गेन ऑफ वाटर अक्रॉस द बॉडी सरफेस, के बॉडी सरफेस के जरिए स्किन के थ्रू और गिल्स के थ्रू पैसिवली वाटर एंटर होता है, उसको खारिज करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ हाइपोटोनिक यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। साल्ट की कमी होती है तो उसको एक्टिवली गिल्स या स्किन के थ्रू इनटेक करते हैं और वाटर पीते नहीं, ड्रिंक नहीं करते, चूँकि पहले ही वाटर की ओवर फ्लडिंग का सामना होता है। ये आप लोग पढ़ रहे थे ऑस्मोरेगुलेशन इन एक्वाटिक एनिमल्स। अल्लाह हाफिज़।